मैं जीत गया जानकी माँ, मैं जीत गया। क्या बोल रहे थे ये लोग कि हक्कू को फिर हरा देंगे? हक्कू ने तीनों भाइयों को हरा दिया। माँ जल्दी से लड्डू खिला दीजिए, वरना ये तीनों फिर से अपनी टांग अड़ा देंगे। खिलाइए ना। जीत भी तेरी और ये लड्डू भी तेरा, ये ले सारा का सारा। अच्छा जानकी माँ, कम से कम इसकी जीत का लड्डू हमें खिला दीजिए। देखा जानकी, जब मौली ने आके घर में हिस्से की बात की थी ना, तो मेरे दिल के हिस्से हो गए थे। लेकिन मेरे दिल की धड़कन बार बार ये कह रही थी कि वो तो घर जोड़ने आई है, घर तोड़ने नहीं। देखा, तुम्हारा नाम लेके मौली ने सबको एक जैसे कुर्ते पहनवाए। झूठ था, लेकिन वो झूठ जो पूरे परिवार को जोड़ दे, वो सच से बड़ा होता है ना। इस बात पे एक तो बनता है। मौली, तेरा मुंह मीठा कराना तो बनता है। जीती रह बेटा, खुश रह। मौली को आशीर्वाद दीजिए जानकी माँ कि उसे मन चाहा साथी मिले। मौली ने तो गेम पलट दिया है। इसकी इमेज जल्दी खराब नहीं की तो ये मेरा फ्यूचर खराब कर देगी। से बोल, डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, आज चाचा जी का मूड भी अच्छा है, तू बोल के तो देख। जा। चलो भाई, मेरा तो हो गया, कोई अच्छी खबर ही नहीं अखबार में। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। ये लोग क्या इशारेबाजी में बात कर रहे हैं? पापा, वो मेरे कोचिंग क्लास वाले दोस्त घर आना चाहते हैं होलिका पे। मैं आने दूं? वो स्नेहा है ना, स्नेहा का तो आप जानते हैं, उसकी शादी होने वाली है, ये उसकी आखिरी होली है। तो सारे दोस्तों ने प्लान किया कि सब साथ में मिलकर होली मनाएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद से खुद को हमारे घर पे इनवाइट कर लिया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो माने नहीं। और तुम्हारे इन फ्रेंड्स में लड़के भी होंगे? हाँ पापा। मिनी तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, ऐसे में पराए लड़कों के साथ होली खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अकूत, तू ये आप बीच में मत बोलिए, ये लंदन की होली नहीं है, उज्जैन है, यहां मैं तय करूंगा। सुना तुमने, क्या बोल रही है तुम्हारी बेटी? अरे समझाओ इसे, हमारे यहाँ लड़कियों के घर लड़के नहीं आ जाया करते। चाचू, अगर ये लोग कोई ऐसा प्लान बनाते जिसका आपको आइडिया ही नहीं होता, इससे तो अच्छा है ना कि मिनी आपसे परमिशन लेकर सबको घर बुला रही है। सब आपके आंखों के सामने होंगे, और वैसे भी ये लोग तो दोस्त ही है ना, साथ में पढ़ते हैं, बाहर मिलते ही होंगे, इनके घर आ जाने से क्या दिक्कत होगी? मुंबई में नहीं होती होगी, पर उज्जैन में दिक्कत होती है।
तुम्हारे शहर में तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपस में कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे शहर में किसी एक घर में बर्तन गिरता है ना तो 10 घरों में उसकी आवाज गूंजती है। हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है और उज्जैन का समाज आज भी यही कहता है कि लड़की और लड़का आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर मिनी के लड़के दोस्त घर पर आए तो 10 लोग 100 तरह की कहानियां बनाएंगे। दादी ब्रो, कहानियां बनाने वाले तो वैसे ही कहानियां बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सच पता है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर घर में लड़की से मिलने कोई लड़का आता है तो ये हमारे परिवार, शहर और समाज का तौर तरीका, परंपरा और चलन नहीं है। बट दादी ब्रो, आप... बस बात खत्म। तुमने दुनिया देखी है और हमने दुनियादारी समझी है, हमारी समझ में जो सही है वही बोल रहे हैं। पर उनके आने का प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है, अब क्या करूं मैं? क्यों, तेरे मुंह में जुबान नहीं है? मना कर दे उन लोगों को, चाहे जैसे मना कर, तेरी मर्जी, पर मना कर दे उन्हें। यस, ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मुझे, तो मैं ऐसी फैमिली से बोनस पॉइंट्स नहीं कमाते रहने दे सकता हूं मौली। अब देखो कैसे एक ही बार में तुम्हारा गेम ओवर करता हूं। अरे तुम तीनों यहाँ पर हो तो अजंता किधर है? उसका काम तो सिर्फ चाय बनाने का था ना। कल तो मेरी छुट्टी है, होली पे चाय कौन पीता है? त्योहार पर नौकर चाकर को छुट्टी दी जाती है, परिवारजनों को नहीं। बहुत सारे पकवान बनाने हैं, किसी एक जन के बस की बात नहीं है, सभी को मिलजुल कर का काम करना होगा। हमने ज्योति को सब बता दिया है, वो तुम लोगों को बता देगी। बता दिया माँ जी, मैं अपनी स्पेशल वाली गुजिया बनाऊंगी। अरे वाह तन्वी बेटा, तुम्हारी बनाई हुई गुजिया का स्वाद अभी तक हमारे मुंह में है। एक बात बताओ, गुजिया बनानी याद भी है कि भूल गई? याद है पापा जी, जीजी ने जब मुझे रेसिपी बताई थी तो मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी। ठीक है, तुम गुजिया बना रही हो तो मैं बालूशाही बना देती हूँ, बिल्कुल जानकी माँ के तरीके से। मैंने तो बर्फी की तैयारी की है, उसे बनाओ या रहने दो? अरे क्यों नहीं बनाओ, जरूर बनाओ बेटा। एक काम करते हैं, चारों बहुएं अपनी पसंद की मिठाई बनाती, और जिसकी मिठाई का स्वाद हमारे मुंह में आखिर तक रहेगा उसे हम नेक देंगे। चलो शुरू हो जाओ। ज्योति, होलिका के थाक की तैयारी हो गई है ना? जी माँ। ठीक है, तुम लोग करो काम। वैसे तन्वी, चीनी भी मीठी होती है, किसी को मिठाई बनानी नहीं आती तो कटोरी में चीनी परोस दे। स्वरा, देखना जरा। हाय। ऑनलाइन तो हजारों रेसिपीज पड़ी, कोई भी इजी पिक कर लूंगी। Not this one. Hey Ram, what? क्या क्या कर क्या रही हैं आप? तुमने क्या किया? बालूशाही के लिए जो दही रखी थी वो खा गई? What? I'm really sorry. मुझे नहीं पता था ये दही उस डिश में यूज होनी। अरे रहने दो, सब पता है तुम्हें। तुम्हारी आदत है दूसरों का काम बिगाड़ने की। पहले तन्वी की बनाई सब्जी में अंडा डाला, अब मेरी मिठाई का दही खा गई। For the last time, मैंने नहीं डाला था वो दमालू में अंडा। और ठीक है, दही है ना, नहीं मंगा लो। हाँ तो जाओ लेकर आओ, पैसे दूँ, दुकान देखी है तुमने, जाओ लेकर आओ, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जी जी शांत हो जाइए, मैं गोलू को कह के दही मंगवा लूंगी। अरे गोलू क्यों लेकर आएगा, इसने खाई है ना दही, यही लेकर आएगी, निकलो। जी जी दही तो है, आ जाएगा ना। ठीक है ज्योति, गोलू से कहना कि जल्दी ले आए। जी। ये लो, इसे भी चाट लो फिर।
खूबसूरत बला। ऑल सेट फॉर होली, जितने भी रंग के कलर थे ना सब ले आया। ब्रो ये जो जितने भी कलर्स है ना इन सब में केमिकल्स हैं, तो होली के रिटर्न गिफ्ट में स्किन इन्फेक्शन देके जाएंगे। तो इसका मतलब होली नहीं खेलेंगे राहुल? क्यों नहीं बनाएंगे भी होली? होली खेलने वाले रंग हम घर पे बनाएंगे। रंग घर पे भी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बचपन में हम जब होली खेलते थे हम सब भाई मिलकर घर पे ही कलर बनाते थे। बिल्कुल सही कहा दादा, मैंने तो तैयारी भी कर रखी है, इन्हें पीस के रंग बनाएंगे। वाओ, मतलब अब तो कलर्स 100% ऑर्गेनिक हो जाएंगे। मेहंदी, गुलाब, गेंदा सब है। नहीं, लेकिन इसमें तो मेहंदी मिली हुई है, मेहंदी का रंग इतनी आसानी से जाएगा नहीं। यही तो हम चाहते हैं माँ। आपको याद है बचपन में कैसे आप रंग छुड़ाने के लिए इतने सारे जुगाड़ कर लेती थी? लेकिन ये मेहंदी का रंग जो है 10 दिन से पहले निकलने का नाम ही नहीं लेता था। और हम सब एकदम बंदर बन के घूमते थे। लेकिन इतना मजा आता था। और अक्कू याद है कैसे रोता रहता था? 10 दिन तक अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखता था वो। अरे शीशा छोड़ो, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, बोलता था कोई और रंग लगा देगा। अरे लेकिन हम भी कम थोड़ी ना थे, हम अक्कू को गोदी में उठा के लाते थे और सीधे रंग वाली हौज में चबाओ। चलिए फिर से अपना बचपन जी लेते हैं। मुझे नहीं जीना, खासकर उनके साथ जो त्योहार मनाने का दिखावा कर रहे हैं, आए हैं घर में अपना हिस्सा मांगने। हर बार बात ऐसे ही बनते बनते बिगड़ जाती है। देखिए ना, अभी तो बचपन की मिठास का स्वाद रिश्तों में घुल ही रहा था, और फिर अचानक से शिकायतों की कड़वाहट ने जायका खराब कर दिया। कहीं मौली की कोशिशें भी हिम्मत ना हार जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.